RZ9 एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और एक ड्रोन पायलट को उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण हिटलिस्ट में डाल दिया जाता है। उसे और उसकी बहन के पीछे कुछ सुपर सोल्जर्स को लगाया जाता है। उन सोल्जर्स को इरेजर्स कहा जाता है, जो उन्हें डेड और अलाइव पकड़ना चाहते हैं। तो ये साइंस फिक्शन मूवी है जिसका कंसेप्ट मुझे एवरेज लगा। इस मूवी का डायरेक्शन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ना ही इसके परफॉर्मेंसेस आपको इम्प्रेस कर पाते हैं। मूवी में जो विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है वो बहुत ही लो लेवल का है। सब कुछ बिल्कुल फेक लगता है और विजुअल इफेक्ट्स भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। मूवी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लेकिन स्क्रीन प्ले बिलो एवरेज है। इस मूवी का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत भयानक था और इसे एक पैरोडी भी कहा जा सकता है। इसका एग्जीक्यूशन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, ना ही आपको साइंस फिक्शन मूवी लगेगी। मूवी में ढेर सारे एक्शन सीक्वेंसेस भी है, लेकिन एक भी सीक्वेंस आपको पसंद नहीं आता। ये मूवी देखते वक्त ऐसा लगता है कि डायरेक्टर के पास ना ही अच्छी स्क्रिप्ट थी, ना ही अच्छे एक्टर्स, फिर भी उन्होंने मूवी बनाई। तो दोस्तों, ओवरऑल ये एक बहुत ही ख़राब मूवी है जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। मैं इस मूवी को दूंगा 1 out of 10। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पर हिंदी डब मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के रिव्यूज़ लाते रहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।